माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंजनी के वार्षिक उत्सव में पधारे हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवा के पीओ सर, साथ ही सभी विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं उन सभी का और विद्यालय प्रबंधन समिति जो आंजनी इस विद्यालय की जो एक प्रबंधन समिति बनी है उनके सभी सदस्यों का, साथ ही इस गांव से जो भी अभिभावक पधारे हुए हैं और नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं और माताओं बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद में मुझे भी लगा है कि मतलब आज से 5 साल के पहले जिस प्रकार यहाँ पर जो शिक्षा का क्षेत्र था और माता पिता का जुड़ाव था, यानी कि जो अभिभावक थे उनका जुड़ाव आज से 5 साल पहले और आज और इस स्कूल की स्थिति को आप सभी के सामने है, प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुई, तो आप सब भी देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और इस विद्यालय में जो शिक्षा का जो नियमित मतलब यहाँ पर जो भी विकास हो रहा है बच्चों का, साथ ही गांव के लोगों का जो जुड़ाव है, मतलब इस कोटड़ा क्षेत्र में सबसे पहला ऐसा योगदान रहा होगा विद्यालय प्रबंधन समिति प्लस जो प्रधानाध्यापक है उनके अथक प्रयास से। विद्यालय में जो खेल मैदान नहीं था उन्होंने किसी भी प्रकार से जो यहाँ के अभिभावक है, SMC सदस्य है या जो भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलकर के एक बालक बालिकाओं के खेलने के लिए जो विद्यालय के मैदान की व्यवस्था की वो इस कोटड़ा क्षेत्र में शायद पहला होगा जहाँ पर गांव के लोगों ने स्वयं आगे बढ़ करके इतना बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपनी जो खातेदारी जमीन है वो दान दिया है। ये मतलब एक यहाँ को देखने को मिलता है कि लोगों का कितना मतलब यहाँ स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग है। शायद ऐसा इस कोटड़ा क्षेत्र में मैंने तो पहली बार सुना होगा, और भी कहीं हो सकता है, बट यहाँ पर यह पहली बार देखने को मिला। ये बहुत ही बड़ा सहयोग है। इसी प्रकार से जो भी अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है और जो दानदाता है उन्होंने अपना काम कर लिया है, लेकिन आप लोग अब इस कार्य को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने विद्यालय और गांव का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय अभी शायद 2 या 3 साल से अभी चल रहा है और यहां पर जो स्टाफ है वो भी नियमित है और इतने बच्चे भी शायद नियमित ही है। आप पहली बार ये वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है इस विद्यालय में, तो आप देख सकते हैं। तो नियमित शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने बाल बच्चों का विकास करने के लिए आप नियमित एक तो जो भी शिक्षक हैं उनसे संपर्क में रहें, साथ ही बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। अगर आप नियमित विद्यालय भेजोगे तो आप आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे बच्चों ने मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुतियां दी है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए हैं। अगर आपका जुड़ाव इसी तरीके से रहा तो आने वाले समय में और भी अच्छा आपको देखने मिल सकता है। साथ ही इस विद्यालय का नाम और आपके गांव का नाम भी रोशन होने में देरी नहीं लगेगा, क्योंकि इस मांडवा क्षेत्र में और कोटड़ा क्षेत्र में जब आपके विद्यालय इस आंजनी विद्यालय को जब जमीन मिली थी खेल के लिए, मैदान के लिए, तभी काफी चर्चाओं में रहा था। बहुत सारे हमने भी लोगों से सुना था कि आंजनी एक ऐसा गांव है जहां पर मतलब जो दान जाता है, मतलब काश्तकार है उन्होंने अपनी खातेदारी जमीन है जो विद्यालय में बच्चों की शिक्षा के लिए यानी कि उनके खेल के लिए दान दिए, तो ये बहुत ही बड़ा सहयोग है। साथ ही माता पिता यहाँ पर पधारे हुए उनसे मेरा पुनः आग्रह है कि वो अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। आपका विद्यालय, आप कभी भी विद्यालय में आ जा सकते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में जान सकते हैं। नियमित जो भी कार्य हो उनमें नियमित आप सहयोग करते रहे ताकि आपके विद्यालय के बालक बालिकाओं का प्लस आपका मतलब नाम रोशन हो सके। इसी के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।